हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बेटी किचन डायरीज में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हम शेयर करेंगे दही गुजिया की रेसिपी, या दही बल्ले कह सकते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और यहाँ दही भल्ले या गुजिया बनाने के लिए हमने उड़द और मूंग की दाल ली थी एक एक कटोरी, और इसे हमने 2 घंटे तक पानी में भिगो कर रखा है। अब इसका सारा पानी हम निचोड़ कर इसे दरदरा सा पीसेंगे। तो पहले हम इसका पानी निचोड़ लेते हैं, और इसको हमने भिगोने से पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, वो तो वैसे भी करती है। तो चलिए पहले हम इसका पानी निचोड़ लेते हैं। और ऐसे करके हम स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि जो भी पानी होगा दाल का वो निकल जाएगा। और बिल्कुल दाल हमें पानी ही नहीं चाहिए, खुश खुश चाहिए ताकि पीसने में ज़्यादा आसानी हो, वरना एक पेस्ट बन जाएगा। और यहाँ पे हमने सारा पानी निकाल दिया, और 5 मिनट तक हम ऐसे स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि जो बचा हुआ पानी है वो भी निकल जाए। और फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, और हमें दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा हमें पेस्ट वगैरह नहीं बनाना है इसका। और यहाँ पे दाल के साथ हम ज़ीरा और ये गरम मसाले, मतलब लौंग और काली मिर्च भी डालेंगे। तो सबसे पहले लौंग और काली मिर्च डाल देते हैं, और थोड़ा सा नमक मिर्च भी डलेगा। पिसी हुई मिर्च डाल देंगे तो 1 चम्मच ले लेते हैं। सॉल्ट डाल देंगे स्वाद अनुसार, और पहले हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं फिर दाल डालेंगे, ताकि ज़ीरा और गरम मसाला जो है वो पिस जाए, वरना तो मुंह में आएगा। तो पहले हम इसे पीस लेते हैं। अब मसालों के साथ यहाँ पे हम दाल को भी पीस लेते हैं। और ये सब हमने पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, हमें ऐसे दरदरा रखना था। और अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है हमने, और अब इसमें भरने वाली फिलिंग हम तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने फिलिंग तैयार कर ली है, सारे ड्राई फ्रूट जो भी आप चाहिए वो ले लें। और हमने यहाँ पे घी में रोस्ट कर लिया है सबको, और छोटा छोटा ही काट लिया है, और ये फिलिंग तैयार है हमारी। आप जो चाहे उसमें फिलिंग कर सकते हैं। जब तक हम गुजिया बनाएंगे तब तक यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए कढ़ाई में। तो पहले ऑयल गर्म कर लेते हैं और गुजिया भी बना लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में हम इस तरह से लेंगे गुजिया बनाने के लिए, थोड़ा सा मिक्सचर लिया है ये जो हमने बनाया था, और इसमें अब हम फिलिंग भर देंगे। और थोड़ा सा नारियल भी डाल लिया है फिलिंग में। और इस फिलिंग को भरने के बाद अब इसे हम गुजिया का शेप दे देते हैं, और इसको अच्छे से इसको कवर कर दिया है, और जहाँ से निकल लिया उधर से भी। और ये गुजिया बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है, बाकी की भी बना लेते हैं फिर दिखाती हूँ आपको। और सबको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, और जो फ्राई होती रहेंगी उन्हें हम पानी में डिप करके रखते रहेंगे, क्योंकि पानी में डिप करने से ये सॉफ्ट हो जाती हैं, उनका टेक्सचर भी अच्छा आता है। और ये दही गुजिया बनाया है तो इसके ऊपर सर्व करते टाइम हम दही भी डालेंगे, और बाकी की भी हम झटपट से फ्राई कर लेते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे, और सभी को हम पानी में भिगोएंगे, बाद में सर्व करेंगे। और बस एक दो और बची हैं, और यहाँ पे ढेर सारी हमने गुजिया बना ली हैं। और दही गुजिया बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, और सर्व करने से पहले हम पहले अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे सारी गुजियों को, और ऐसे करके हम रखते रहेंगे। और यहाँ पे हमने गुजियों को निचोड़ लिया है, अब हम इस पर दही डालेंगे। और यहाँ पे हम सारी गुजियों को अच्छे से कवर कर देंगे, और बिल्कुल अच्छे से सारी गुजियों पे हम दही डाल देते हैं। ज़रा सा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दही गुजिया बना रहे हैं तो दही तो अच्छी क्वांटिटी में हमें डालना है। तो अच्छा खासा हमने इस पे दही डाल दिया है, और दही डालने के बाद यहाँ पे अब हम हरी चटनी डालेंगे। तो आप हरी चटनी और जो जो चटनी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। तो हम इस तरह से हरी चटनी डालें, और यहाँ बीच में सौंफ डाल दी है, या इमली की चटनी डाल दीजिएगा, और बस। और अब हम इस पर डाल देंगे दही बड़ा मसाला। दही बड़े मसाले की रेसिपी हम शेयर भी कर चुके हैं, और यहाँ पे रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो दही बड़ा मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, और बस ये हमारी दही गुजिया बनकर रेडी हो चुकी है, या आप दही बल्ले भी कह सकते हो। थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स अगर गार्निश करना चाहें तो डाल सकते हैं आप। और ये हमारी दही गुजिया बनकर रेडी हो चुकी है, या दही बल्ले भी कह सकते हैं आप। बहुत अच्छी होती है खाने में, बहुत स्पॉन्जी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और हम आपको कट करके भी दिखा देते हैं कि कैसी बनी है, और बहुत ही स्पॉन्जी बनती है, और देख सकते हैं आप अंदर की फिलिंग भी दिख रही है, और बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक लिए अल्लाह हाफिज़।